चाय देगी थी। यार ये हो क्या रहा है यहाँ? वाह जरूर गेट के पीछे कोई था, जरूर यहाँ कोई है, वरना ये गेट अचानक ऐसे खुल के बंद कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, अब क्या करें? इस घर में तो पल पल काटना। हे भगवान, इस ट्रे को क्या हुआ? ये इतना कैसे हिल रही है? तनु, वो ट्रे देखा तूने? कैसे हिल रही है? अरे तो डर मत, शायद मेरा पैर लग गया होगा। काम करती हूँ मैं, मकान मालिक को कॉल करती हूँ। यार बहुत ज्यादा अजीब हरकतें हो रही हैं यहाँ पर। हेलो रमेश भैया, मैं बोल रही हूँ, हम आपके फ्लैट नंबर 201 में रहने आए थे ना, मैं और मेरी फ्रेंड तनु। हाँ मुझे आपसे ये कहना था कि इस घर में कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। पहले तो हमारा सामान ही गायब हो रहा था, पर अब तो यहाँ पर बर्तन गिर रहे हैं, कभी कुछ सामने से गायब हो रहा है। हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप प्लीज हमें दूसरा घर दिला दीजिए ना। क्या दूसरा घर अवेलेबल नहीं है? अरे पर हमने तो आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें हमारे पैसे वापस दे दीजिए, हमें इस घर में नहीं रहना है। अरे आप, अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? यार उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी कोई भी घर नहीं मिलेगा और हमें इस घर में पूरे 6 महीने काटने होंगे। यहाँ एक दिन काटना मुश्किल है, वो 6 महीने की बात कर रहा है। अरे हम सच में यहाँ 6 महीने नहीं काट सकते हैं, तूने बोला नहीं उनको? अरे मैंने बोला, फिर वो कहने लगे कि बहुत बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। अब वो भैया जब हमारे घर में आएंगे हम उनसे तभी बात करेंगे, फिलहाल तो हमें यहीं एडजस्ट करना होगा। लगता तो यही है वो घर, यही होगा। तनु शायद कोई आया है, जरा देखियो कौन है। हाँ जा रही हूँ। कौन है? अरे मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, किसने बेल बजाई होगी? जी मैं हूँ। हेलो कैसे हैं आप? मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। दरअसल मेरा नेट नहीं चल रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा काम था। क्या मैं आपके घर में आके थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उससे निपटाना है। अगर मैंने आज वो ईमेल नहीं किया तो मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। ठीक है फिर आप आ जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या बात है, आप अचानक क्या घूर रहे हैं हमारे फर्श को? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अरे यार ये यहाँ क्यों आया है और तूने इसे अंदर क्यों आने दिया? अरे यार इसे बहुत इम्पोर्टेंट मेल करनी है, कह रहा था अगर आज मेल नहीं की तो इसकी नौकरी पे बात आ जाएगी, तो मैं क्या करती? वैसे भी थोड़ी देर का काम है इसे। हमने सबकी नौकरी बजाने का ठेका लिया है क्या? हम वैसे ही इतने ट्रबल में हैं, किसी अनजान को घर के अंदर क्यों आने दे रहे हैं? तू भी ना कभी कभी पता नहीं कैसे डिसीजन ले लेती है। अच्छा मेरी माँ भी छोड़, अब बुला ही लिया है तो अब घर से बाहर भगा दूँ क्या? थोड़ी देर बैठ के चला जाएगा। अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो क्या मैं वहाँ पे बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर बैठिए, आपके लिए ही तो लगाया है ये सोफा। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मजबूर हूँ। वैसे आपका थैंक यू, आपने मुझे अंदर आने दिया। आप मेरी फ्रेंड की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो थोड़ा मजाकिया है, कुछ भी बोल देती है। अरे आप टेंशन मत कीजिए, मुझे आपकी फ्रेंड की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। अच्छा तो आप अपना काम कर लीजिए, मैं तब तक आती हूँ। जी जी बिल्कुल। तो फाइनली मैं इस घर के अंदर दोबारा आ गया, विश्वास नहीं था कि इतनी आसानी से अंदर आ पाऊंगा, वो भी इतनी जल्दी, पर चलो ठीक है। यहाँ मुझे कुछ फील ज़रूर हो रहा है, ज़रूर वो इसी दिशा में है।
वो इसी दिशा में है, मुझे अब पक्का विश्वास हो चुका है। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। अरे ये यहां क्या कर रहा है? जरूर ये कोई चोर है जो कि हमारे घर में अंदर आकर हमारी चीजें चुराना चाहता है। मैं तो पहले ही तनु को कह रही थी कि थोड़ा केयरफुल रहे, पता नहीं खड़े खड़े क्या घूर रहे। आप हमारे घर को इतना घूर क्यों रहे हैं? मैं आपको इतनी देर से देख रही हूं कि आप हमारे घर के चक्कर लगाए जा रहे हैं। आखिर आपको चाहिए क्या? मुझे तो आपके हाथ में कोई फोन या लैपटॉप दिखाई नहीं देता जो आप कुछ काम कर रहे हो। वो मेरा फोन मेरे जेब में ही है, मैं उसी से काम कर रहा था। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाइए, मुझे इस घर में थोड़ी दिक्कत लग रही है। मेरे सवाल का तो ये कोई भी जवाब नहीं है। ये बातें घुमाना बंद कीजिए, मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आप जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ बिना किसी बात को घुमाए हुए। इस घर में बहुत बड़ी आत्मा रहती है जो कि आपको तंग कर रही है। इस घर में एक बुरी आत्मा है जो आप पे कभी भी हमला कर सकती है, तो मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि इस घर को छोड़ दीजिए। शानू। हाँ तनु, क्या बात है? शानू ये जरूर कोई सरफेरा इंसान है, बहुत उटपटांग बातें कर रहा है। और अब तो मुझे समझ में आ गया है कि जो भी हमारे साथ चीजें हो रही थी वो यही कर रहा था। जरूर ये यहाँ का पहले वाला किराएदार है जिससे घर खाली करवा दिया गया हो और अब वो इस घर को हथियाना चाहता है। क्या कह रही है यार, मुझे तो ये बहुत शरीफ लग रहा है। वैसे बात क्या हुई है, तो इतनी भड़क क्यों रही है? अरे हमें कह रहा है कि घर खाली कर दो, यहाँ कोई आत्मा भटक रही है। रुक मैं इससे निपटती हूँ। हेलो मिस्टर, हम इस घर को खाली नहीं करने वाले हैं। और हाँ, तभी तुम हमारा पीछा कर रहे थे ना, पहले हमें पार्क में मिलते हो और अब हमारे घर में ही आ गए। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, किसी को जरा उंगली क्या पकड़ाओ पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। इस घर में एक बहुत भयंकर आत्मा है, वो आपको कभी भी हमला कर सकती है, मेरी बात मानिए इस घर को खाली कर दीजिए। निकल जाओ मेरे घर से, समझे? और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम जैसे लोगों को अच्छे से समझती हूँ। निकलो यहाँ से, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? विश्वास नहीं होता कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं अपना नंबर यहाँ टेबल पर छोड़कर जा रहा हूँ, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। एक बार के लिए तो मैं भी सोचने लगी थी कि ये घर हॉन्टेड है, इसी ने हमें इतना तंग किया होगा। और तू सही कह रही थी, इस घर के पुराने किराएदारों के पास जरूर चाबी होती होगी, तभी तो ये हमारे घर के अंदर आ गया होगा और वो चादर वाला सीन भी इसी ने किया होगा। हाँ यार, माइट भी हो सकता है कुछ भी, पर अगर वो सच कह रहा हो तो क्या करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अच्छा है, अगर कोई प्रॉब्लम ना ही आए तो। हाँ, लाइट चली गई। हम सोच रहे थे मुसीबत ना आए और यहाँ लाइट ही चली गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे इस अंधेरे में, पूरी रात काटना तो मुश्किल है, पता नहीं कब लाइट आएगी। अरे इतने सारे बर्तन गिरने की आवाज है, ये आवाज तो किचन से आ रही है, ये हो क्या रहा है? हे भगवान, कहीं वो लड़का सच तो नहीं कह रहा था, हम दोनों तो इस घर में बिल्कुल अकेले हैं। अगर सच में यहाँ आदमी है तो हमारी मदद कौन करेगा? फिर से बर्तन गिरने शुरू हो गए, मुझे तो किचन में जाने से भी डर लग रहा है। अब क्या होगा? चिंता मत कर, अभी सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा यार? यार ये दरवाजा खुद कैसे खुल गया? हमारी मदद कौन करेगा? इस घर में तो हम दोनों अकेले हैं। चिंता क्यों करती हो तुम दोनों?
तुम दोनों यहाँ अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आ जाओ मेरे पास, आओ आओ मेरे पास, आ जाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे भी, हाँ, मुझे भी अभी कोई आवाज आई थी। यहाँ जरूर कोई है। वो आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ रहकर। तू यही रुक, मैं उसका नंबर लेके आती हूँ। उसने बोला था कि टेबल पर नंबर छोड़ के जा रहा है। हेलो, मैं बोल रही हूँ फ्लैट नंबर 201 से। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमारी मदद करने जल्दी से आ जाइए। ये तो शानू की आवाज है। शानू, शानू, उठ शानू, क्या हुआ तुझे? शानू,